अरे भाई क्या कर रहे थोड़ा सा छोड़ दे ए लड़की, आगे जा, आगे आगे, यहाँ से नहीं वहाँ से नहीं मिल रहा है, मैं जाऊंगा तो पूरा मेरे समय। नहीं नहीं ठीक है आगे रे ओ फोन साइड करो, पीछे करो ना। जी जब तक हम आ रहे थे तो ट्रैफिक देख के तो लग रहा था कि शायद बहुत कम लोग होंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ आए हैं तो पता लग रहा है कि मिड डे म्यूजिकल नाइट के लिए लोगों की होड़ लगी हुई है और शो पूरा सोल्ड आउट हो गया है। लेकिन हमको भी बहुत दिन से फ़ोन आए जा रहे हैं कि सर टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, टिकट्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये भी मैं भगवान की एक बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ कि टिकट्स ना मिलना भी एक अच्छा सूचना होता है, अच्छा सूचक होता है। लेकिन मिड डे म्यूजिकल नाइट्स को अब मैं ये दुआएँ देता हूँ, ये एक तरह से शुभकामनाएँ देता हूँ कि उनके इस तरह के इवेंट्स बड़े बड़े वेन्यूज़ करें अब तैयार, ताकि ये हो कि भाई सोल्ड आउट जो शोज़ हैं और जितने लोगों को टिकट नहीं मिल पाता उनको भी मिले, क्योंकि बहुत लोग अभी भी फ़ोन कर रहे हैं सर हमें टिकट चाहिए, कैसा भी चाहिए। तो खुशी की बात यह है, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे कहते हैं कि ये एंटरटेनमेंट का हब है, लेकिन यहीं पर लाइव एंटरटेनमेंट बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम कॉन्सर्ट्स कैलासा के मुंबई में होते हैं। इसके लिए मैं मिड डे को और पूरे ग्रुप को और सचिन एंटरप्राइजेज को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, अभिनंदन देता हूं कि उन्होंने ये विचार किया कि देखिए हर अंधेरे के बाद उजाला अच्छा लगता है। तो ये जो 2 साल गए हैं पिछले, ये संकट भरे थे, बड़े चुनौतियों भरे थे, कोविड ने सबकी हालत एकदम अलग कर दी थी और मुंबई के लोगों को घर में बैठना उतना शायद अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए थोड़ा इवनिंग में कुछ एंटरटेनमेंट की चीज़ हो, उसमें भी अगर कैलासा का लाइव इन कॉन्सर्ट हो तो बात ही अलग हो जाती है। तो हम लोगों के जहाँ जहाँ भी कॉन्सर्ट्स, अभी हमारा दुबई में हुआ, दुबई के बाद हम सीधा दिल्ली और पटना में गा के आए हैं 125,000 लोगों के लिए। तो माना कि मुंबई में बहुत वेन्यूज़ बड़े बड़े नहीं हैं, लेकिन यहाँ के क्राउड में हजारों में भी लाखों का स्वाद आता है। सर इसके अलावा जैसे आपने कहा कि कोविड रिस्ट्रिक्शंस अभी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप एज अ सिंगर, कितने एक्साइटेड है यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए? नहीं, बहुत ज़्यादा उत्तेजना है पूरे कैलासा में, बहुत ही एक्साइटमेंट है और सुनने में आया है कि क्राउड में भी उतना ही एक्साइटमेंट है। कुछ तो हमारे परिवार के लोग पंजाब से आए हैं जो सुनकर ही इतना प्यारा लगा कि वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। सचिन जी आप क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट में जुड़ के, कितना कितना प्राउड फील हो रहा है? सर भी यहाँ पर आ चुके हैं, आज एकदम धमाकेदार जैसे सर ने कहा सोल्ड आउट हो चुका है। वैसे तो सर का नाम ही काफी है, लेकिन जो पंजाब से लोग आए, गुजरात से लोग आए हुए हैं, मतलब इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है, हम लोग तो कल से इतना परेशान है टिकट्स के लिए, हमको भी टिकट पैसा ले लो, डबल ले लो, ब्लैक में कर लो, ये हालत हुई पड़ी है सर। मालिकों की हालत आप लोगों ने, आप कितने प्यारे हो मुंबई कर कि आपने मालिकों की हालत डाउन कर दी कि जी मालिक खुद बोल रहे हैं कि जी टिकट डबल पैसे में दे दो। हैदराबाद से लोग आने के लिए बोल रहे थे, हैदराबाद से इतने फोन आए, हम बोले सब सोल्ड हो गया, नेक्स्ट टाइम करते हैं सर के साथ दोबारा एक बड़ा शो फिर से करेंगे। हाँ करेंगे जी, चंडीगढ़ में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैं पूरे बड्डे की तरफ से पहले तो कैलाश जी के लिए अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ
ये हम लोगों का कैलाश सर के साथ में दूसरा इवेंट है पंजाब और सर, आपको पता ही है कैलाश साहब पहले भी सुपर हिट था, आज भी सुपर हिट है। थैंक यू। हाँ एकदम क्राउड के लिए आप परफॉर्म तो करने वाले, लेकिन अगर कैमरास के लिए अगर दो लाइनें हो जाए आपकी आवाज। हाँ मुंबई के लिए मैं यही कहूंगा, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा, हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी। मुंबई कर हम आपके दीवाने हो गए हैं, गॉड ब्लेस यू। आखिर मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत सारे शॉर्ट वीडियो ऐप आ गए हैं, वैसे जयभीम ने भी इस अवार्ड को स्पॉन्सर किया, क्या कहना चाहेंगे सर, जो स्पॉन्सर्स आज हिम्मत कर रहे हैं इस अवार्ड शो में, मतलब कह सकते हैं कि म्यूजिकल नाइट में इन्वेस्ट करने के लिए जैसे कोविड के बाद, तो क्या कहना चाहेंगे सर? जी देखिए क्या होता है, संगीत तो हर रोग का इलाज है इस दुनिया में, अच्छा इंसान भी और कम अच्छा इंसान भी, ओछा इंसान भी, कैदी भी, यहाँ तक कि देखो सबको संगीत चाहिए, रोगी को भी निरोगी को भी संगीत चाहिए। संगीत जो है पूरी दुनिया के दुखों को दूर करने की दवा है संगीत। आप देखिए जो किसी को मार रहे हैं उनको भी म्यूजिक अच्छा लगता है, जो मर रहे हैं मरते मरते उनको भी शांति के म्यूजिक अच्छे लगते हैं। भगवान ने म्यूजिक एक ऐसी थेरेपी बनाई है जो सबके लिए काम आई है, तो ऐसे में परमात्मा यदि संगीत में कोई भी जुड़े, कॉरपोरेट जुड़े, बगैर कॉरपोरेट जुड़े, सबको जुड़ना चाहिए, इंडिविजुअल को भी जुड़ना चाहिए, और आध्यात्मिक संगीत यानी कैलाशा के संगीत से जुड़ना तो और भी गहरा है। क्यों? क्योंकि कैलाशा रहते फिल्मों में है, गाते इल्मों में है। सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है कि लॉकडाउन के बाद लोग जो त्रस गए थे, क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गए थे और एक जगह बैठे हुए थे, तो उनको बाहर आके खुली हवा में ओपन कॉन्सर्ट मुझे कैलाश खेर ये छोटे छोटे स्पिरिचुअल सिंगर हैं, मेरे फेवरेट हैं, तो मैं उनके कॉन्सर्ट के लिए आया हूँ। और गिरीश वानखेड़े जो अभी बोल रहे हैं वो मेरे परम मित्र हैं, उनकी ऐप है जय भीम ऐप, तो वो भी उनके स्पॉन्सर्स, तो ये डबल खुशी का मौका है मेरे लिए। और आई एम सो हैप्पी, मैं गिरीश वानखेड़े जी का और स्पॉन्सर करने वाले बड्डे और जो भी लोग, उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया।